हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है प्लास्टिक सर्जरीज ऑफ गर्ल्स। जैसे आजकल जो बहुत वायरल ट्रीटमेंट जा रहे हैं, लिप्स का, आईब्रो का, आई लैशेस, चीक्स को उभरना, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे कि कैसे होता है, कैसे लड़कियां जो है हमको धोखे में रखती है। एग्जांपल इंडियन एक्टर्स के ले लेते हैं, हीरोइंस का ले लेते हैं। जैसे आजकल देखो करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, ऐसे और भी बहुत सारे जो अभी भी 60, 70, 50 साल की उम्र भी इतने जवान लग रहे हैं, वो इन्हीं ट्रीटमेंट की वजह से आज भी इतने जवान लग रही है। ये सब कुछ आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे मेरी तरह जब मैंने देखी ये वीडियोस। तो वीडियो को पूरे देखना, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना अभी इसी वक्त। जी दोस्तों, बिना वक्त जाए के वे शुरू करते हैं हमारे आज का रिएक्शन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। OMG, ये क्या पिंक पिंक इंजेक्शन लगाए हुए फेस के ऊपर? मेरे ख्याल से फेस को गोल बनाती है। आई डोंट नो, पूरा आइडिया नहीं मुझे, आप लोग ही लड़कियां ही बता सकती है। यार कितना पेनफुल। OMG, ये तो पूरे स्ट्रेचेस किया चेहरे के ऊपर। आई थिंक इसको चेहरे को ऐसे स्लिम एंड इस टाइट बनाता है। OMG, सलाम इन डॉक्टरों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये क्या हो रहा है? ये मुझे लगता है नोज का जो शेप हो रहा है लिप्स को वो मोटा करने के लिए। अच्छा, ये भी होता है। Amazing. Wow. ये तो अर्शी खान के लिप्स हो गए। अच्छा, आई लैशेस ऐसे होता है जो हम देखते हैं ब्लॉगर्स की, इन्फ्लुएंसर की, एक्टर्स की, जिनके बड़े बड़े आई लैशेस होते हैं, वो ये होता है। मतलब कि नेचुरली नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं रहा है। OMG, अब ये क्या करेगी? अच्छा, लिप्स को आप दो तरह के जो है मोटे कर सकते हैं, क्रीम लगाना ही होती है, दूसरे ये इंजेक्शन के जरिए। ये बहुत पेनफुल है। OMG, वाओ, आई कांट बिलीव यार, ये लड़कियां इंजेक्शन लगाने से इतनी डरती है और यहाँ पे देखो कैसे इजिली वो लेटी हुई और हंस रही है और इंजेक्शन इंजेक्शन लगा रही है। अच्छा, मतलब के सब प्लास्टिक सर्जरी इसको बोलते हैं, मतलब कि हर चीज़, आई लैशेज, आईब्रो, लिप्स, नोज, एक चीज़ भी नहीं चुरा इन लड़कियों ने, और इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट ये लोग करवाते हैं, मतलब कि नेचुरल ब्यूटी। इसकी माँ का भोला चेहरा। आईब्रो की शेप देखो ऐसा होता है, ये लगता है मुझे भी करवाना चाहिए आईब्रो। लड़के भी कर सकते ये कंट्रोल। जी दोस्तों, तो आपने देखा ये नेचुरल ब्यूटी का कोई ज़माना ही नहीं रहा है। लड़कियां पता नहीं चेहरे पे क्या क्या करवा रही है आज। कुछ भी लड़कियों ने नहीं तोड़ा, एक तो पहले मेकअप इतना करती थी, आजकल ये ट्रीटमेंट आ गए, तो इसका मतलब हम लड़के जो है देखो सिंपल नेचुरल ब्यूटी, मुंह बस धोते पानी से और बाहर निकलते और फिर पता नहीं पाँच छः लड़कियाँ तो वैसी गिर जाती होंगी। इन ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आरजी तौर पर ना अच्छा लगता है, फिर बाद में ऐसे बंदा बंदर की तरह लगता है। जैसे आजकल आप एक्ट्रेस देखो विदाउट मेकअप, करीना कपूर, मलाइका और भी बहुत सारे इंडियन एक्ट्रेस देखो, उनके जब विदाउट मेकअप आप लोग को ना, या जो लोग सुबह उठते हैं ना उनका फेस देखो ना, बिल्कुल बंदर जानवर की तरह लगते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। लगी होगी तो मैं करता हूँ अपनी वीडियो यहाँ पे एंड, क्योंकि बकरी मैं कर रही है, वैसे भी एंड होने वाले मेरे वीडियो को। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना। कलाफिस।